हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेल्स लर्नर में। दोस्तों जे आई एस सी के एस टी सी सी टी की जो वैकेंसी है, मीन्स झारखंड हिंदी क्लर्क का जो टाइपिंग का जो वैकेंसी है, उसमें आपको क्षेत्रीय भाषा पढ़ना है। उसमें लगभग 11 क्षेत्रीय भाषा पढ़ना है, ठीक है। उसमें मैंने नागपुरी का पूरा डिटेल सिलेबस बताया है, लेकिन आज मैं उर्दू का पूरा डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूँ। उसमें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है ना, तो वो मैं सारे चीज का यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि उर्दू भी एक क्षेत्रीय लैंग्वेज का पार्ट है सिलेबस में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस सिलेबस में क्या बोला है, ठीक है। हमें सिलेबस देखने से पहले हमें एक चीज जानना है कि ये 300 मार्क्स का ये भी 300 मार्क्स का होगा। ये याद रखना है, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 90 नंबर मिनिमम लाना ही है। अगर आप 90 नंबर से कम ला रहे हैं तो आप फेल हो जाइएगा, फेल, ठीक है, फेल घोषित हो जाएगा। 89 भी ले आइएगा तो फेल, ठीक है। 90 से नीचे लाना ही नहीं है, ये मार्क्स 90 मिनिमम है। आप 300 भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90 से कम लाना नहीं है, नहीं तो फेल घोषित हो जाएगा, रिजल्ट कर दिया जाएगा फेल, है ना, आपका रिजल्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है हमारा, ठीक है। सिलेबस, ठीक है, सिलेबस में देखिए हमको यहाँ पर बोला है, इसमें देखिए सिलेबस बहुत छोटा है ना, उर्दू का जो सिलेबस है ना बहुत छोटा है, हद से ज्यादा छोटा है, ठीक है, नागपुरी से भी छोटा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्रोज, देखिए इसमें इंग्लिश में लिखा है, उर्दू में नहीं लिखा है पीडीएफ में, है ना। तो क्रोज है ना, ये स्टोरी का पार्ट है, क्रोज जो कराता है ना स्टोरी का, मतलब कि एक तरह से गद होता है, ठीक है, गद पद जो हम पढ़ते हैं नागपुरी और हिंदी में, उसी का यहाँ पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले इस देखिए यहाँ पर हमको पढ़ना हाजी अकबर, है ना, हाजी अकबर पढ़ना है, ठीक है। इसको लिखे हैं प्रेमचंद, प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही फेमस, है ना, स्टोरी राइटर हो चुके हैं प्रेमचंद, ठीक है। ये हाजी अकबर एक स्टोरी है जिनके लेखक है प्रेमचंद, ठीक है। इसका बुक आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, ये है ना, इसके बहुत सारे इनके लिखे हुए किताब है, ठीक है। तो इन्होंने उर्दू में लिखा है हाजी अकबर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद भोला, भोला एक स्टोरी है, ठीक है, इसमें क्या है, राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी ने इसे लिखा है भोला को, ठीक है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आपका आएगा, ठीक है, इसे क्वेश्चन बनने वाले हैं ज्यादा, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, तीन ही स्टोरी है, ठीक है। आपको प्रेमचंद और राजेंद्र सिंह बेदी का पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद चहुकी का जोड़ा, चहुकी का जोड़ा, ठीक है, चहुकी का जोड़ा, अस्मत चुगतई, अस्मत चुगतई ये राइटर है, अस्मत चुगतई, इन्होंने लिखा है चहुकी का जोड़ा। तो इसमें आपको तीन स्टोरी पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल का है, आपका जो वैकेंसी है ना इंटरमीडिएट लेवल का है, इस चलते बहुत छोटा सिलेबस इसका रख दिया है। देखिए हाजी अकबर, भोला और चौथी का जोड़ा, इसमें प्रेमचंद ने लिखा है हाजी अकबर, भोला को लिखा है राजेंद्र सिंह बेदी ने, और चौथी का जोड़ा अस्मत चुगतई ने लिखा है, ठीक है। ये उर्दू का प्रोज था, मीन्स स्टोरी, ठीक है। उसके बाद उर्दू का पोएम है ना, उर्दू का पोएम में हमें 4 पोएम दिया हुआ है और उसका राइटर का भी नाम लिखा हुआ है, तो हमें मार्केट में किताब ढूंढने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। सिर्फ राइटर देख के आपको बुक ले लेना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, जुगनू, ठीक है, जो पोएम है जुगनू, है ना, जुगनू का, जुगनू को लिखे है इकबाल, ठीक है, इकबाल, इसके जो पोएट्री है इकबाल है, ठीक है, जुगनू को इकबाल ने लिखा है, ठीक है। तो आप इसे मार्केट से उठा लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हो सके सारे का एक ही बुक में मिल जाए, हो सके 2-3 बुक मिले, ठीक है, क्योंकि सिलेबस इस तरह से आपका प्रिपेयर किया जाता है कि एक बुक से नहीं होता है, बहुत सारे राइटर होते हैं उनका पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फिर कलयुग, कलयुग पढ़ना है, नजीर, नजीर अकबर
अकबरवादी का पढ़ना है, ठीक है। नजीर, नजीर अकबरवादी काफी अच्छा नाम है ना। कलयुग, कलयुग हम सुनते हैं कलयुग हिंदी में कि कौन सा काल चल रहा है, कलयुग काल चल रहा है, तो वही कलयुग, कलयुग है नजीर अकबरवादी का, ठीक है। फिर मुस्तकबिल उर्दू वर्ड है मुस्तकबिल, ठीक है। इसमें लिखा है अकबर इलाहाबादी है ना, इसको लिखा है मुस्तकबिल को अकबर इलाहाबादी, ठीक है। उसके बाद खाके हिंद, खाक ए हिंद, खाके हिंद पढ़ना है हमको पंडित है ना, पंडित ब्रिज नारायण चकबस, पंडित ब्रिज नारायण चकबस का लिखा हुआ पोएट्री है, पोएम है ना, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ, जुगनू कलयुग मुस्तकबिल खाके हिंद, जुगनू को लिखा है इकबाल ने, कलयुग को लिखा है नजीर अकबरवादी ने, मुस्तकबिल को लिखा है अकबर इलाहाबादी ने, और खाके हिंद को लिखा है पंडित ब्रिज नारायण चकबस ने लिखा है, ठीक है। काफी छोटा सिलेबस है, ठीक है। और देखिए कोई भी अगर क्षेत्रीय भाषा पढ़िएगा उसमें अगर आपको ग्रामर ना हो, ये हो नहीं सकता है, तो उर्दू में भी आपका ग्रामर है, उर्दू में भी ग्रामर है, ठीक है। तो देखिए ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है, जेंडर पढ़ना है, ठीक है। जेंडर मीन्स क्या हो गया, लिंग, जेंडर मीन्स लिंग, ठीक है, ठीक है ना। स्त्रीलिंग, पुलिंग, उभयलिंग, ठीक है, ये पढ़ना होता है ना हिंदी में, हिंदी पढ़ते हैं हम, नागपुर में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जेंडर पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, लेकिन ये उर्दू का पार्ट है, ठीक है। उर्दू में कुछ नाम कुछ अलग हो सकता है, ठीक है, नाम अलग हो सकता है स्त्रीलिंग पुलिंग का, ठीक है। हाँ, जो उर्दू में जो जिसको उर्दू आता है वो तो अपना पता होगा कि क्या बोला जाता है, ठीक है। देखिए इसमें तो ग्रामर में सिंगुलर पढ़ना है, सिंगुलर, तो जो हम लोग सिंगुलर को जानते हैं एक वचन के नाम से, हिंदी वाले एक वचन के नाम से जानते हैं, नागपुरी वाले भी एक वचन के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो सिंगुलर पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश वाले भी जानते हैं सिंगुलर मीन्स क्या होता है, ठीक है, आपको यहाँ सिंगुलर पढ़ना है, प्लूरल पढ़ना है, क्योंकि बहुवचन होता है प्लूरल, एक से ज्यादा को प्लूरल बोला जाता है और एक को बोला जाता है सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में सिलेबस, इसीलिए मैंने इंग्लिश में ही बताया है, ठीक है। इसको हम एक वचन बोल सकते हैं सिंगुलर को, और प्लूरल को बहुवचन भी बोल सकते हैं, ठीक है, बहुवचन भी बोल सकते हैं। मीनिंग, मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग मीन्स क्या होता है, मीनिंग मीन्स अर्थ, मीनिंग मीन्स अर्थ, ये ग्रामर का पार्ट है उर्दू का, ठीक है। तो अर्थ क्या अर्थ पूछा जाएगा, हो सके कोई वर्ड दे दिया जाएगा उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, वो चीज पूछ ले, ठीक है। अर्थ हम जैसे वर्ड पावर पढ़ते हैं, वर्ड पावर पढ़ते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरह से अगर उर्दू में हो सकता है मीनिंग का, मीनिंग मीन्स तो आप जेन्युइन जानते हैं कि प्राय आप की मीनिंग का अर्थ होता है, ठीक है, तो इसमें अर्थ ही पूछ ले, ठीक है। उसके बाद ओपोजिट वर्ड, ओपोजिट वर्ड मीन्स क्या होता है, उल्टा, उल्टा सर, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं गम तो खुशी, ठीक है, इस टाइप के वर्ड। अगर हम खड़ा है तो बैठ जाना, ये हो गया उल्टा, अगर खड़े हैं तो बैठ जाओ, ये उल्टा शब्द हो गया, ठीक है। ऑपोजिट शब्द, उल्टा शब्द, इसको विलोम शब्द भी बोल सकते हैं, विविधार्थक शब्द भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो एंटोनोमिस एंड साइनोमिस बोलते हैं, ठीक है, तो एंटोनोमिस हो सकता है ये, है ना, उल्टा शब्द एंटोनोमिस हो सकता है, ठीक है। तो ये काफी छोटा सिलेबस है, जेंडर पढ़ना है, सिंगुलर पढ़ना है, प्लूरल पढ़ना है, मीनिंग है, ऑपोजिट वर्ड है, ठीक है, ऑपोजिट पढ़ना है, तो ये बहुत छोटा सिलेबस है, ठीक है, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, क्योंकि 300 नंबर का वेटेज है, ठीक है, और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अगर इनका भी उर्दू बढ़िया है, थोड़ा सा भी अगर किसी का उर्दू बढ़िया है ना, तो हम कह सकते हैं कि आप उर्दू ले लो, क्योंकि सिलेक्शन की गारंटी है। तो इतना छोटा सिलेबस ये तो कोई भी जान सकता है, चाहे उर्दू पढ़ा हुआ है, चाहे कोई भी, बस लैंग्वेज का फर्क है, बाकी जिसको भी उर्दू थोड़ा सा भी आता है, जो उर्दू पढ़ने जानता है, समझने लिखने जानता है थोड़ा सा ना, जो रीडिंग कर लेता है, डेफिनेटली उसको उर्दू लेना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा सिलेबस है। हम तो कह रहे हैं मोस्टली स्टूडेंट का जो उर्दू लेंगे, जिनको उर्दू आता है, उनका मार्क्स अच्छा आएगा, डेफिनेटली आई गारंटी, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चलिए चैनल पर बने रहे, थैंक यू।